पढ़ने वाले मुझ बारे बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई से ई रिक्शा चालक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिवार और ग्रामीणों से एमएलए की तीखी बहस वीडियो में कैद हो गई। आर्थिक मदद और नौकरी की घोषणा करने डिबाई विधायक अनीता लोधी राजपूत प्रदर्शनकारियों के पास पहुंची थी, जिस दौरान ये तीखी बहस हुई। बात बने बिना ही वापस लौटने को मजबूर हो गई भाजपा विधायक अनीता लोधी राजपूत। एमएलए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मौके पर मौजूद कई लोगों को धमकाती भी दिखाई दे रही अनीता लोधी राजपूत 15 लाख का आर्थिक मुआवजा राशि लेने के इनकार पर पीड़ित परिवार को उसके हाल पर छोड़कर वहां से वापस लौट गईं अनीता लोधी राजपूत। मृतक रिक्शा चालक का परिवार और ग्रामीण मृतक के शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर रहे थे, जिस दौरान डिबाई विधायक से ग्रामीण और मृतक के परिवारों की बहस हुई। परिवार को आर्थिक सहायता की घोषणा करके जाम खुलवाने पहुंची थी डिबाई विधायक अनीता लोधी राजपूत। गौरतलब है कि कल छतारी में मेला देखने जा रहे ई रिक्शा चालक से चौकी प्रभारी और सिपाही पर मारपीट का आरोप लगा था, जिस ई रिक्शा चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी और भाजपा विधायक के बीच हॉटटॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जब ये मामला बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह के संज्ञान में आया तो तत्काल चौकी प्रभारी और सिपाही को निलंबित कर दिया गया। बुलंदशहर एसएसपी का कहना है कि प्राथमिक जांच के आधार पर सिपाही और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ हो सकेगा कि ई रिक्शा चालक की हार्ट अटैक से मौत हुई या फिर पुलिस की पिटाई से। ये कल शाम को थाना छतारी के चौड़ेरा गांव में एक बड़ा धार्मिक मेला लगा हुआ है, जहां पे हजारों की भीड़ थी। उस मेले में एक उसी गांव का ई रिक्शा चालक गौरी शंकर अपना जो बीमार भी चल रहा था अपना ई रिक्शा लेकर कमाने के उद्देश्य से गया था। एक सिपाही द्वारा उसे रोका गया। रोकने के दौरान कथित रूप से सिपाही ने उसे धक्का दिया या कोई चोट पहुँचाई और वो बेहोश हो गया। बाद में इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहाँ पर उसकी रात में मृत्यु हो गई। इसमें यह है कि फिलहाल जो प्राथमिक बात है वह है कि उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अगर उसमें कोई ऐसी बात आती है और कोई दोषी पाया जाता है तो तदनुसार वैधानिक कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। परिवारीजनों से व्यापक बातचीत की गई है, परिवार संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। फिलहाल जो दोनों आरोपी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए हैं, प्रकरण की जांच अलग से कराई जा रही है। क्या सर अभी परिवार में कोई जो आरोपी जो बताए जा रहे हैं कि पुलिस ने जो पीटा है उनके खिलाफ कोई तहरीर थाने में दी है? नहीं, परिवारीजनों के द्वारा कोई तहरीर थाने पर नहीं दी गई है और बातचीत के दौरान भी उन्होंने इस तरह की कोई तहरीर देने की फिलहाल मंशा नहीं जताई है। लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे। अगर उसमें कोई प्रतिकूल बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।